अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम नीम्स इन फूड डायरी में तली हुई प्याज की रेसिपी के साथ आए हैं, जो कि अक्सर हम कोरमा, बिरयानी या किसी भी करी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो है वो सबसे पहले 3 प्याज लेके, तो इनको हमने बारीक बारीक काट, मेक श्योर कि सारी प्याज जो है वो एक साइज़ की कटी हो ताकि वो एक जैसी फिर फ्राई हो। तो हमने जो है इसको ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना है, ये कम ऑयल में फ्राई नहीं होगी। तो हमने ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद अपने सारे प्याज हम इसमें शामिल कर लिए। अगर आप ज़्यादा प्याज फ्राई कर रहे हैं तो आप इसको 2 दफ़ा करके शामिल करेंगे। हम जो है इस वक्त कम प्याज कर रहे हैं, तकरीबन ये 3 मीडियम प्याज थे, तो हमने इन सारे प्याज़ों को एक साथ शामिल कर लिया है। तो इनके ऊपर जो है वो आपने बिल्कुल अपना ध्यान रखना है, इनको छोड़ना नहीं है। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो इनमें चम्मच चलाते रहना है। आपने इधर उधर बिल्कुल नहीं होना और इन पे आपने जो है वो पूरी तरह से अपना फोकस रखना है। तो हम इसी तरह जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसका चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे, ताकि प्याज जो है वो हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो प्याज़ों ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। जब इस स्टेप पे आ जाए आप, तो आपने प्याज़ों को फिर बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो आपने अपना पूरा फोकस जो है वो प्याज़ों पे रखना है और इनमें जो है वो आपने चम्मच चलाते रहना है। तमाम प्याज जो है वो इक्वली फ्राई हो चुके हैं, इतना ही हमें गोल्डन कलर चाहिए था। इस पॉइंट पे आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद करना है और आपने तमाम प्याज़ों को जो है वो निकाल लेना है। कोशिश करें आप बड़ा चम्मच यूज़ करें और सारे प्याज जो है वो एक साथ आपके बाहर आ जाएं। तो इसके बाद हमने इसको जो है वो प्लास्टिक के पैकेट में बंद किया है। इसको निकालने के बाद जो है वो आपने इसे प्लेट में फैला के रखना है, इसको एक साथ नहीं रखना, फिर ये क्रिस्पी बनेगा। प्लास्टिक के पैकेट में हमने इसे बंद करने के बाद जो है वो इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे और के 6 से 8 महीने तक जो है आपका प्याज यूज़ हो जाएगा, और इसको बिरयानी, कोरमा, करी या फिर हम हलीम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।